जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल ज्ञान ऑन एयर पे। दोस्तों, आप कोई स्टूडेंट हो या आप कोई जॉब करते हो या आप कुछ भी काम करते हो, लेकिन एक चीज़ का आपको बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है और वो चीज़ है संडे यानी छुट्टी का दिन। जी हाँ दोस्तों, आपने कभी ये सोचा है कि हमें रविवार को ही छुट्टी क्यों मिलती है, क्यों हमें सोमवार को, मंगलवार को, गुरुवार को छुट्टी नहीं मिलती? इसके पीछे की क्या रीज़न्स है, इसके पीछे की क्या कहानी है? तो इसके पीछे भी एक कहानी है, कुछ इतिहास है, कुछ फैक्ट्स है। तो आज के इस वीडियो में आपको मैं वही बताऊंगा कि क्या रीज़न है हमें संडे के दिन ही छुट्टी मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे नए नए वीडियो लाता रहता हूँ। इसकी वजह से आपसे कोई अपडेट मिस नहीं होगा। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संस्था यानी ISO के अनुसार हमें हफ्ते में एक दिन यानी रविवार को छुट्टी होनी ही चाहिए और इसे 1986 में मान्यता भी मिल गई थी। लेकिन इसका इतिहास कुछ थोड़ा सा और पुराना है। 1843 में अंग्रेजों के गवर्नर जनरल ने एक आदेश को पारित किया था जिसके अनुसार स्कूली बच्चे को रविवार को एक दिन छुट्टी मिलनी ही चाहिए। इसकी वजह ये बताई गई थी कि उन्हें रविवार के दिन कुछ अदर एक्टिविटीज़ करने का मौका दिया जाएगा। और एक बात है दोस्तों, रविवार का दिन यानी हिंदू धर्म के अनुसार रविवार का दिन हफ्ते का पहला दिन माना जाता है। इससे हफ्ते की शुरुआत होती है। रविवार का दिन सूर्य देवता का दिन भी माना जाता है और वैसे ही रविवार का दिन हिंदू देवता यानी खंडोबा का दिन भी माना जाता है। और दोस्तों, उसी दौरान हमारे भारत में अंग्रेजों का शासन चल रहा था, अंग्रेजों की हुकूमत चल रही थी। तब हमारे जो मजदूर थे उन्हें हफ्तों में सातों दिन काम करना पड़ता था। लेकिन तब एक नेता सामने आया और उनका नाम था नारायण मेघाजी लोखंडे, जिन्होंने मजदूरों के हक के खिलाफ आवाज़ उठाई और उन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों के सामने यह प्रस्ताव रखा कि हफ्ते में एक दिन छुट्टी होनी ही चाहिए। लेकिन वो प्रस्ताव अंग्रेजों ने नामंजूर कर दिया। लेकिन कुछ सालों के संघर्ष के बाद उनके प्रस्ताव को अंग्रेजों को मानना ही पड़ा और तब जाकर 10 जून 1890 को सफलता प्राप्त हुई और तभी से हमारे भारत में रविवार के दिन छुट्टी का दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों, यही वो रीजंस थे जिसकी वजह से हमें संडे को छुट्टी मिलती है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। और फिर से, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।